ईडी की जांच कैसे एक झूठ का पुलिंदा है, इसका एक और सच आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। और मैं आज चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, प्रवक्ताओं में जरा सी भी नैतिकता है तो जितना चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, आज वो सारे प्रवक्ता हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आप लोगों से माफी मांगेंगे। वो सारे ईडी के अधिकारी जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बदनाम किया, जिन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को बदनाम किया, वो आज हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आपसे माफी मांगेंगे। भारत देश में ईडी सीबीआई का जो शिकंजा कसा जा रहा है, क्या ये ठीक है? क्या ईडी सीबीआई यहाँ पर पक्षपात कर रही है या फिर यहाँ पर साफ सुथरी छवि के साथ अपना काम कर रही है? क्योंकि पूरा विपक्ष यहाँ पर सड़क से लेकर संसद तक यही बात कर रहा है कि आज ईडी सीबीआई तमाम स्वतंत्र एजेंसियों को बीजेपी का डर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, यहाँ पर बड़ी बात कही जा रही है कि 2024 के चुनाव के पहले पहले बीजेपी पार्टी पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है। बीजेपी पार्टी विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डालना चाहती है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मनीष सिसोदिया से जो है ईडी सीबीआई की पूछताछ होती है, जेल में नजर आते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव और मीसा भारती से पूछताछ होती है, किस तरीके का माहौल बन जाता है आपको याद होगा। लालू यादव से पूछताछ होती है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि लालू यादव बीमार चल रहे थे, एक लंबे अरसे से जो है वो उनका एक ऑपरेशन हुआ था और वो उससे बाहर निकले थे, इसके बावजूद भी उनसे पूछताछ की गई। इसके साथ साथ राहुल गांधी पर जो शिकंजा कसा गया वो भी आपको याद होगा। लेकिन लगातार ईडी सीबीआई की जो कार्यवाही चल रही है, क्या ये ठीक है? दर्शकों, यहां पर संजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया है ईडी सीबीआई को लेकर, पहले आप इस वीडियो को सुनिए। ईडी की जांच कैसे एक झूठ का पुलिंदा है, इसका एक और सच आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। और मैं आज चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, प्रवक्ताओं में जरा सी भी नैतिकता है तो जितना चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, आज वो सारे प्रवक्ता हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आप लोगों से माफी मांगेंगे। वो सारे ईडी के अधिकारी जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बदनाम किया, जिन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को बदनाम किया, वो आज हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आपसे माफी मांगेंगे। मैं माननीय न्यायालय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ईडी अधिकारी जो आपको गुमराह कर रहे हैं, जो आपके सामने गलत तथ्य दे रहे हैं, जो आपके सामने गलत जानकारी देकर जमानतें रद्द करा रहे हैं, उन ईडी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के मामले में कार्रवाई कीजिए और जरूरत पड़े तो ऐसे अधिकारियों को पकड़कर जेल में डालिए। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ईडी सीबीआई पर सवाल खड़े किए और माफी मांगने की बात कही। दर्शकों, क्या भारत देश में अब इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा? क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है। जी हाँ, 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले के मामले में सीबीआई पूछताछ करेगी, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या सच में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर जेल में जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मंत्री यानी कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और अब वो आज जेल में है। लेकिन देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रुकेगी, इस बयान को विपक्ष कैसे देखता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।